हमारे पास हुंडई का एक्सेंट गाड़ी आया है जो येलो वुड है, इसमें स्टेयरिंग रैक का प्रॉब्लम है, इसमें स्टेयरिंग रैक बहुत दर दर साउंड करता है। अब ये गाड़ी आया है, इसमें हम सब कुछ ट्रायल कर लिए, चेक कर लिए है, इसमें स्टेयरिंग बॉक्स आपको खोल के दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग इसमें स्टेयरिंग चासी उतारे हैं, चासी उतारने के बाद इसमें स्टेयरिंग बॉक्स है, स्टेयरिंग बॉक्स अभी खोलते हैं हम। स्टेयरिंग बॉक्स खोल के नया हुंडई का आइटम दिखाता हूँ डाल के आपको। यहाँ पे देख सकते हैं अभी हुंडई का स्टेयरिंग बॉक्स मंगाए हैं, स्टेयरिंग बॉक्स मंगा के आपको दिखाता हूँ कैसे क्या है। तो हम स्टेयरिंग का फ़ोटो दिखा रहा हूँ आपको, हुंडई एक्सेंट का है। अभी हम लोग चासी में फिट करने वाले हैं, फिट करके आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। बूस्ट डालने से अच्छा बदल दिए तो ज़्यादा लाइफ आता है। तो अभी हम लोग पुराना निकाले हैं, पुराना निकाल के यहाँ नया वाला सेट बैठाए हैं और गाड़ी में डाल के आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि भाई साहब इसका हम लोगों ने स्टेयरिंग बॉक्स को खोला था और स्टेयरिंग बॉक्स हम लोगों ने यहाँ पे रिपेयर नहीं किए हैं, रिपेयर नहीं करके हम लोग क्या किए, इसका हुंडई का ओरिजिनल जो स्टेयरिंग रैक होता है वो डाल दिया गया है। अब डालने के बाद इसको स्टार्ट करके भाई हम लोग देखेंगे कि हमारा जो स्टेयरिंग है वो स्मूथनेस काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा गाड़ी। तो मैं गाड़ी भाई स्टार्ट कर लिया और इसको राइट लेफ्ट टर्न करके देखते हैं, बिल्कुल मस्त है, इस साइड भी बिल्कुल मस्त है भाई। तो यहीं तक था वीडियो। आपको जब भी स्टेयरिंग बॉक्स का काम कराना हो, रिपेयर कराना हो, चेंज कराना हो, तो आप एक काम करेंगे, रिपेयर कराएंगे तो लाइफ थोड़ा कम आता है पर पैसा कम लगता है, ठीक है। और आप नया डालेंगे तो लाइफ ज़्यादा आएगा और नया आइटम भी हो जाएगा। तो भी ये वीडियो कैसा लगा, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक चैनल पे मेरे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।